आज मैं आपको अपने ट्रेलर का एक टूर देता हूँ, वॉक थ्रू देता हूँ कि हम जब ये लेके जाते हैं तो हम इसमें कैसे रहते हैं, इसमें क्या चीज़ है और ये किस तरह चलता है। पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। बाहर ये हिच है और यहाँ पे ये प्रोपेन का सिलेंडर लगा है जिससे इस अंदर हीट भी चल सकती है और चूल्हा भी चल सकता है और ये फ्रिज भी चल सकता है। इसमें ये बैटरी लगी हुई है, सो इसकी जो लाइट्स हैं और जो इसकी चीज़ें हैं वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। ये डीप साइकिल बैटरी होती है और ये बैटरी जो है ये रेगुलर बैटरी से ज़्यादा देर चलती है। सो बेसिकली ये जब हम कहीं पे भी कैंप करते हैं, चाहे हम ट्रेलर में कर रहे हों या वैसे, तो ये एक तरह से हमारा एक एक्टिविटी हेडक्वार्टर बन जाता है। तो इसके अंदर हम आके रात सोते हैं लेकिन हम बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं दिन में बाहर करते हैं। अगर मैं आपको इस तरफ लेके जाऊं, यहाँ पे एक स्टोरेज है। हमारा जो ट्रेलर है ये छोटा सा है क्योंकि हम एसयूवी से खींचते हैं और ये सिर्फ 18 फुट का ट्रेलर है प्लस 2-3 फुट की आगे टांग है। सो बेसिकली 20-21 फुट में हम इसे खींचते हैं। इसके अंदर हमारे टूल्स हैं, इसके अंदर हमारा किचन का सामान है, बर्तन है, इसके अंदर ही हम ये आग जलाने के लिए गत्ते वत्ते रखते हैं। इसके अंदर हमारी ये स्पेयर वायर्स हैं। इसके नीचे अगर इस तरफ देखें तो यहाँ वाटर टैंक है इस साइड पे। हम थोड़ा आगे जाएं, ये हमारी जो हीट का एग्जॉस्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी की है, इस पे 30 एम्प की वायर जो लगी हुई है। सो इसको आप कहीं पे भी जाएं जहाँ पे 30 एम्प का कनेक्शन वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो 15 एम्प है उसमें कन्वर्ट करके कन्वर्टर लगा के रेगुलर बिजली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके टायर हैं जो कि हर एक दो साल के बाद चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि ट्रेलर टायर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसके अलावा जो है आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इसके नीचे ग्रे वाटर टैंक और ब्लैक वाटर टैंक है। और जब हम इन ये फुल हो जाते हैं तो हम यहाँ से डंपिंग स्टेशन पे जाके यहाँ से इसको खाली कर सकते हैं। सो बेसिकली जो ग्रे वाटर टैंक है वो है आपका किचन से जो पानी आ रहा है और जो ब्लैक वाटर टैंक है ये टॉयलेट से आ रहा है। ये देखें यहाँ पे इस साइड पे इसमें वाटर हीटर लगा हुआ है जो कि हमने महल में कभी यूज़ ही नहीं किया। हम लोग हॉट वाटर यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉब्ली एक दफ़ा हमने इसको चलाया है। पीछे आ जाएं तो इसके अंदर ये जो ग्रे वाटर ब्लैक वाटर टैंक खाली करने के लिए पाइप लगता है वो इसके अंदर है। नीचे जो स्क्वायर पाइप नज़र आ रहा है, ये ऊपर जो पाइप है ये मैंने खुद लगाया हुआ है। इसके अंदर हम ये 1 pound प्रोपेन सिलेंडर लगाते हैं, सो ऑल अक्रॉस। सो हम इसमें 7-8-10 सिलेंडर, जो 12 सिलेंडर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। पीछे देखा जाए तो ये एक स्पेयर टायर है, मैंने एक एक्स्ट्रा ये लगाया हुआ है। जब हम लंबे टूर पे जाते हैं 7-8-10 हज़ार किलोमीटर के, तो हम फिर दो टायर लगाते हैं। सो हमारे पास दो स्पेयर्स होते हैं ताकि हम कहीं वीकेंड पे या कहीं बहुत दूर के इलाके में फंस जाएं तो हमें वो प्रॉब्लम ना हो अगर टायर में प्रॉब्लम आ जाए कोई। बैक पे दो स्टेबलाइज़र लगे हुए हैं, दो जैक लगे हुए हैं जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं। और इस तरफ आ जाएं तो इधर भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है एक्स्ट्रा। और एज आई सेड कि ये हमारा एक्टिविटी सेंटर होता है या एक्टिविटी हेडक्वार्टर होता है, तो हमने ये पोर्टेबल जूतों की जगह बनाई हुई है। ये फोल्ड होके बिल्कुल थिन सी पैकिंग में आ जाता है लेकिन जब हम यूज़ करते हैं। ये हमारे फिशिंग रॉड हैं, ये बेंच तो मैंने यहाँ से इनका उठाया जिनके यहाँ में ठहरे हुए हैं। विंडोज़ आपने देख ली हैं कि उस तरफ भी विंडोज़ हैं 3, इस तरफ एक विंडो है। और दरवाज़े जो हैं इसमें एक जाली का दरवाज़ा होता है और एक रेगुलर दरवाज़ा होता है। ये जो ये दरवाज़ा इस तरह लॉक हो जाता है अगर इकट्ठा दरवाज़ा रखना है, अगर खाली जाली का दरवाज़ा लॉक करना है तो आप सिंपली इसको इस तरह कर सकते हैं। चलें अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है ट्रेलर के। सो इधर राइट साइड पे एंट्रेंस पे ये असल में हमने इसको परमानेंट सोफ़ा से बेड बना दिया हुआ है। ये एक तरह से डाइनिंग टेबल है, इसमें दरमियान में टेबल है और दो साइड पे दो दो तीन तीन लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन हमने इसे परमानेंट यूँ कन्वर्ट किया। कभी कभी हम बनाते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं लेकिन मोस्टली ये जो है ये बेड रहता है। अगर सोते हैं तो तीनों तरफ हमें व्यू मिलता है सुबह या रात, तो तीनों तरफ विंडोज़ हैं इसके और यहाँ से हमें व्यू मिलता है। जब एंटर होते हैं ट्रेलर में तो ये सामने एक सोफ़ा सा बना हुआ है, ये बैठने की भी जगह है और ये पांचवें बंदे के सोने की भी जगह है अगर हमें एक्स्ट्रा बंदा हमारे साथ होता है। तो जब तीनों बच्चे आते हैं तो एक यहाँ पर सोता है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दरवाजे से एंटर होने के फौरन लेफ्ट पे ये फ्रिज है,
जो कि बिजली पे भी चलता है और प्रोपेन पे भी चलता है। इसके अलावा ये सिर्फ ये जो अलमारियाँ हैं, ये इनमें हमारा किचन का सामान या दूसरी चीज़ें हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। इसके अलावा ये हमने कुछ चीज़ें हमने इसमें चेंज की हुई हैं। सो ये हमने जाली लगाई हुई है, वो जो कार्गो जाली होती है गाड़ियों के पीछे वाली, इसमें हमारा ये चार्जिंग सेंटर है जिसमें सारी तारें हैं, या हम फल और सब्जियां जो होती हैं वो इसमें डालते हैं ताकि जब गाड़ी चल रही हो, ट्रेलर चल रहा हो, तो ये ख़राब ना हो। इस विंडो के ऊपर देखें तो ये कुछ साल पहले जब हसन छोटा था तो इसने ये मुझे फादर्स डे पे ये पेंट करके दिया था, कनू बना के दी थी, और ये हमारे साथ ट्रेलर में हर जगह जाती है। इधर देखें आप तो ये हमने एक ये वुड का बना हुआ है, ये दरख्त की कटिंग है और उस पर होम इज़ वेयर वी पार्क इट एंड वी ट्रूली मीन इट एंड वी एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस थिंग। हम जहाँ जाते हैं वहीं अपनी जगह बना लेते हैं एंड वी इंजॉय आवरसेल्व्स एनीवेयर वी गो। बेड के ऊपर या डाइनिंग के ऊपर इस तरफ एयर कंडीशनर लगा हुआ है छोटा सा। इसके इधर देखें तो ये सारी स्टोरेज है इसके ऊपर बेशुमार, तो इसमें हमारी चीज़ें होती हैं। इस तरफ एक फ़ैन होता है, उस तरफ एक फ़ैन हमने रखा होता है और फिर बाकी हम चीज़ें रखते हैं। सामने देखें तो ये भी एक हमारे पास ये पिक्चर लगी हुई है जो कायक की है, जो दुनिया को डिपिक्ट कर रही है। इधर स्टोरेज है और इधर भी स्टोरेज है, और अगर इसकी थोड़ा सा लेफ़्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे भी हमने एक ही लकड़ी का छोटा सा लगाया हुआ, और इधर ये रेडियो है और म्यूज़िक वगैरह के लिए। नीचे हमने ये लगाया हुआ ये थर्मोस्टैट है जो कि हम अंदर और बाहर रख सकते हैं और हमें बाहर का और अंदर का टेम्परेचर बताता रहता है। अगर मैं फ्रिज से आगे जाऊँ, स्टोरेज का मैंने आपको बता, ऊपर जो ये हमने खुद इनोवेट किया है, ये मैंने अपने दोस्त शहजाद हैं उनके साथ मिलकर ये इनके कवर बनाए ताकि हमें काउंटर स्पेस मिल जाए। और ये बेगम आपको उठा के दिखाती है कि इनके नीचे क्या है। सो बेसिकली इसके नीचे सिंक है और दूसरे के नीचे लेट्स सी कि इसके नीचे क्या है। ये हसन का सामान है। सो लेट्स सी दूसरे के नीचे क्या है। दूसरे के नीचे हमारे चूल्हे हैं। ऊपर देखें एग्जॉस्ट है और यहाँ पर लाइट है। और ये चीज़ जो है हमने इस तरह से बनाई है कि ये एज अ ट्रेज यूज़ हो जाती हैं, चाहे हम बाहर खाना खाएं या अंदर खाएं, और अगर बारिश हो रही है और हमारे पास जगह नहीं कोई भी चीज़ रखने की, तो ये दोनों जो हैं ये एज ट्रेज यूज़ हो जाते हैं। और इस तरह से ये इनको डबल साइडेड टेप लगा के वेलक्रो लगाया हुआ है और ये इस तरह से वापस लग जाता है जगह। ये सेफ़ भी रहता है, लेकिन जब हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, ना सिंक यूज़ करें ना यूज़ करें, जो यूजली नहीं करते हैं हम लोग, बाहर कुक करते हैं और बाहर ही हम सब कुछ करते हैं, तो इसलिए इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम बहुत जगह बहुत ज़्यादा लेट कहीं पहुँचें या बहुत स्टॉर्म हो तो फिर हम इन जगहों को यूज़ करते हैं। इनके ऊपर जाएँ तो ये कुछ मसाले हैं, यहाँ पर माइक्रोवेव है, और इसी तरह जब मैं इधर आऊँ तो यहाँ पर भी ये इसकी बैटरी ख़त्म हुई हुई है। ये आपकी क्लोज़ेट है या इसको हम किचन के सामान के लिए यूज़ करते हैं। हम इसके राइट पे देखें तो इसमें दो बंक बेड्स हैं, ऊपर वाला हसन का, नीचे वाला ईमान का, और सजील जब आए तो वो इस जगह सोता है, लेकिन वो बहुत कम काम हमारे साथ आता है। और इस दफ़ा चूँकि ईमान हमारे साथ नहीं आई तो हम ये वाला जो है एज आ स्टोरेज यूज़ करें, इसमें हमारे बैग्स पड़े हुए हैं। इसमें नीचे एक विंडो भी है जो बाहर से नज़र आ रही होगी हमें। अगर हम सीधे आगे जाएं तो यहाँ पे ये छोटा सा टॉयलेट है। अगेन हमने ये कुछ जाली वाली लगाई हुई है कुछ चीज़ें रखने के लिए। सामने शीशा है, इसके ऊपर दो स्काई लाइट हैं। ये मैंने विंटराइज की हुई थी जब हम विंटर में गए थे, अभी तक मैंने इसका कवर नहीं उतारा। और इसी तरह ये दूसरी तरफ भी स्काई लाइट है, तो यहाँ पर नेचुरल लाइट आती है अंदर। और इधर जो है ये टब है, शावर है इसके। इस तरफ हमने ये इसको परमानेंटली डबल साइडेड टेप के वेलक्रो के साथ फिक्स कर दिया हुआ है, तो ये जो गार्बेज बिन है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फिट आता है। और इस तरफ ये तौलिया वगैरह, यहाँ पे चीज़ें टांगने की जगह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ट्रेलर का टूर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।